सुबह के बज गए हैं 5:30 और सुहाना मौसम, बारिश नहीं है। बारिश ना होने के वजह से राइड करने में और मज़ा आने वाला है। लास्ट संडे राइड कैंसल हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन। मुंबई में लास्ट एक हफ्ते से इतनी बारिश हो रही है कि बाहर निकलना तो दूर, राइड तो दूर की बात है, बाहर भी निकलना मुश्किल हो गया था। सो आज चांस मिला है, आज तो सोच के ही निकले थे चाहे तीर चले तलवार चले, पर आज राइड करना ज़रूरी था। इतना डेस्परेट हो गया था राइड के लिए। और हमारा आज का जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा निंजा 1000 वाला ग्रुप है। सो जितने भी राइडर रहेंगे या 2-4 जो भी राइडर है वो सारे के सारे निंजा 1000 वाले ही हैं। तो आपको आज बहुत सारा सुपर बाइक्स दिखने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। फाइनली वो दिन आ गया है, आज हम जा रहे हैं राइड पे। राइड पे कहाँ जा रहे हैं? तो कसारा में वही गांव है, तो वही गांव के पास ही हम आज एक सुपर फास्ट राइड करके रिटर्न आने वाले हैं। बहुत दिन के बाद ग्रीन चार्ज निकलेगी, तो आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आगे के राइडर्स के साथ। तो ये है रोड मोड, तो हमको अभी रोड मोड निकालना है और आना है रेन मोड पे, क्योंकि बहुत सारी बारिश हो रही है और अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। अभी 4 महीना ये रोड मोड से जाएगा रेन मोड पे। सो ये आ गया रेन मोड, अब हम हो गए हैं सेफ। सो बाइक इज ऑसम, आई लव माय बाइक, लेट्स गो। टाइम हो गया है 5:30 और इट्स नॉट टू अर्ली बट वी हैव टू लीव। बहुत सारे राइडर्स आगे वेट कर रहे हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक राइडर तो मिल गए, राल भाई आ गए हैं और आगे के राइडर्स भी आगे मिलेंगे। आज मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत दिनों के बाद हम सब मिलने वाले हैं। इट विल बी अ फन। तो ये आ गया है हमारा मीटिंग पॉइंट। राल्फ तो मेरे साथ ही थे, ये है वरुण भाई, नए राइडर हैं। अब आने वाला है मज़ा। हेलो वरुण, डॉक्टर हेमंत। जलने दे यार, जल। आज के राइड के लिए बस 4 राइडर्स हैं, वरुण, राल्फ और हम, और चौथा राइडर जो है सुशांत भाई, वो सुशांत आगे मिलेगा हमको। तो चलो बढ़ते हैं आगे के लिए। सो ये दूसरा मीटिंग पॉइंट और सुशांत भाई, गुड मॉर्निंग। चलो तो आगे बढ़ना ज़रूरी है, बारिश अभी भी नहीं है, 6:15 हो गए हैं और हम लोग पहुंच गए भिवड्डी। सो वन मोर बाइक विद ZX10R। तो आज बहुत सारी आवाज़ भी होने वाली है राइड में, आज राइड में बहुत सारी आवाज़ भी होने वाली है। एक चीज़ ज़रूर मार्क करोगे, मुंबई के जरा बाहर निकलो पूरा ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देगा। और टेम्परेचर का तो पूछो ही मत, सडनली गिर गया है। अभी मुंबई में 30 था, अब भी बाहर निकले मुंबई के भिवंडी क्रॉस किया है, टेम्परेचर हो गया है 24। तो ये खासियत है यार, थोड़ा मुंबई से बाहर निकलो और आप फील करोगे कि आप कहीं और जगह पहुंच गए। और बारिश हो गई है स्टार्ट। ये रही ZX10R द मॉन्स्टर। भाई साहब क्या आवाज कर रही है यार। ये है आज का राइडिंग स्क्वाड, वरुण भाई, ये अपने ZX10 वाले बाबा, और आगे है अपने सुशांत भाई, आज के लीडर है हमारे सुशांत भाई। नासिक के तरफ चलते हो ना, बहुत सारा फॉग होता है, फॉग। और बहुत दिन के बाद सूरज देवता के दर्शन हो गए, क्योंकि एक हफ्ते से बहुत बारिश है और बारिश के वजह से सूरज देवता छुट्टी पे थे, अब वो वापस आ गए हैं। बारिश में राइड करने का मज़ा ही कुछ और होता है, हर जगह होती है हरियाली, एक सुकून होता है इस हरियाली में, क्योंकि साल भर ये गर्मी और गर्मी के मौसम में बस हम पागलों की तरह हो जाते हैं, पर इस मौसम का कुछ अलग ही मज़ा होता है। रास्ते अच्छे होते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, फ्रेश एयर होता है, बस राइडर को और क्या चाहिए यार, खाली रास्ता और हरियाली, लाइफ सेट है फिर तो।
जैसे जैसे कसारा घाट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाली और बढ़ती जा रही है। मौसम बहुत ही सुहाना है, थोड़ी धूप थोड़ी सी बारिश, यही तो मज़ा होता है बारिश के मौसम में बाहर निकलने का। वो सामने देख रहे हो पूरा फॉग से भरा हुआ है, वो है इगतपुरी। इगतपुरी को ही कहते हैं फॉग सिटी, इतना फॉग होता है ना वहाँ पे। शायद आज हम ऊपर नहीं जाएंगे, आज वीही गाँव में ही एंट्री करके वहाँ से ही हम रिटर्न जाएंगे। इगतपुरी तो चलना ही है बॉस, अब बारिश का मौसम और इगतपुरी ना जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेके जाएंगे। और ये पहुँच गए हैं हम कसारा बेस पर। आज के शो टॉप सो इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट रेडी है। सुशांत भाई हंग्री? नॉट मच बट लेटर। ओके तो हम करेंगे अब मिसल पाव वाला नाश्ता। ब्रेकफास्ट हो गया है, इट्स टाइम टू रोल ऑन अहेड। और एक राइडर ज्वाइंट हो गए हैं, उनका नाम है कार्तिश। कार्तिश के पास भी सड़क स्टेनार है, आगे हम उनसे भी मिलेंगे। और अभी एक एक्सीडेंट होते होते बच गया था काऊ का, और एक काऊ रास्ते में खड़ी है। थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है जब कैटल्स रास्ते पे घूमते हैं, स्पेशली बाइकर्स के लिए। सो गाइस अगर आप बाइक चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, अब चलेंगे वीही गाँव की तरफ। ऊपर सुना है बहुत सारा फॉग है, तो शायद एक राउंड ऊपर तो बनता है यार, तो पहले वीही गाँव चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे फॉग देखने के लिए। अब वीही गाँव में एंट्री हो गई है, और एक कंट्री साइड में आने का मज़ा ही कुछ और है। देखो पूरी ग्रीनरी, फॉग, और खेतों में काम करते हुए हमारे किसान, कैटल्स, ये देख के ही पता चलता है हम किसी गाँव साइड आ गए। मेन बात तो ये कि बारिश नहीं है, बारिश ना होने की वजह से राइड करने का भी एक अलग मजा आ रहा है, कोई किचकिच नहीं हो रही है। ये तो पहुंच गए वीही गांव के फेमस ब्रिज के ऊपर। नदी तो पूरी ड्राइड अप है, बट यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बढ़िया होता है। ये रही हमारी बाइक्स और हम। हाँ तो ये थे हमारे पांचवें राइडर कार्तिश। हाय कार्तिश। कार्तिश नासिक से है, सो नाइस टू मीटिंग हिम। और इसकी खासियत है ये बाइक को डबल एग्जॉस्ट है, और वो भी एससी प्रोजेक्ट का। सो ये कार्तिश ने खुद बिठाया घर पे, है ना कार्तिश? यस, इसने कहीं पे गाड़ी गैराज में नहीं लेके गया, इसने खुद से किया है। इसको कहते हैं ट्रू बाइकर का जो स्पिरिट होता है ना, सब काम खुद करना। और ये है इसकी आवाज, वो 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 वो। फाइनली एट पीस, मतलब इतने दिन की जो ख्वाहिश थी राइड करने की बारिश में, वो आज पूरी हो गई है। और मज़ा आ रहा है, हमारे बहुत सारे नहीं पर 5-6 राइडर्स अच्छे अच्छे आ गए, और दिल कर रहा है बस यही से जाओ ही। मतलब संडे हो गया, संडे आज बोलते ना फुलफिल हो गया, तो अभी लेंगे थोड़े से ड्रोन शॉट, क्योंकि मौसम अच्छा है तो ड्रोन हम उड़ा सकते हैं। अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट लेंगे, कुछ फोटो खींचेंगे और फिर चलेंगे आगे के लिए। Everything you're fighting for.
इट्स टाइम टू लीव नाउ, और आपको अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स शायद अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज की राइड कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में भी बताना है आपको। बहुत सारी अच्छी अच्छी बाइक थी, तो राइड आज की यही एंड करेंगे और मिलेंगे अच्छी जगह पे वापस, किसी अच्छी राइड पे, अच्छी स्पॉट्स पे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।